चलना चाहो भाग्य बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते। पिछले दिनों से हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि एफपीओ का बिजनेस प्लान कैसा हो। तो एफपीओ जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों के साथ काम कर रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएं। अभी तक ज़्यादातर जो एफपीओ हैं वो या तो अपने सदस्यों को एडवाइजरी देते हैं कि खेती कैसे करना है, दूसरे कुछ एफपीओ इनपुट सप्लाई करते हैं, सीड फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड वगैरह, और तीसरे वो एफपीओ हैं जो अपने सदस्यों का उत्पाद खरीद के बाज़ार में बेचते हैं। ये तीनों जो काम हैं वो एक लेवल तक की आमदनी एफपीओस को देते हैं, और एफपीओस के सामने हमेशा ये संकट रहता है कि उनकी इनकम अगर नहीं होगी तो वो अच्छा स्टाफ नहीं रख सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल नहीं चला सकते हैं। तो जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि गांव में जो जनसंख्या है उसका घनत्व तो बहुत कम है, दूसरे गांव के लोगों की जो आमदनी होती है और ख़ास तौर से उसमें जो डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब जो वो खर्चा करते हैं, वो शहर की तुलना में बहुत कम होता है। तो जैसे शहर में जब कोई बिजनेस करता है तो वो केवल एक काम करके पर्याप्त आमदनी कमा सकता है, पर गांव में ये संभव नहीं होता क्योंकि एक काम से वहाँ इतनी आमदनी नहीं होती है। तो जो हमारे एफपीओ के साथी हैं, चूँकि वो गांव में काम कर रहे हैं और उन्होंने एक कंड्यूट तैयार किया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, एक पाइपलाइन तैयार की है जिसमें वो अपने सदस्यों तक सेवाएं ले जाते हैं, तो मेरा उनको ऐसा सुझाव है कि उनको दूसरे काम भी करना चाहिए और हम अलग अलग वीडियोस में उन कामों की बात आगे करेंगे। यहाँ जो दूसरा काम हमारे साथी कर सकते हैं उसको मैं कहता हूँ बिजनेस करेस्पोंडेंट और बैंक करेस्पोंडेंट। तो ये दो काम ऐसे हैं जिनमें अपने जो एफपीओस के कर्मचारी हैं या एफपीओ के साथ जो किसान मित्र या किसान साथी काम कर रहे हैं उनको अगर वो बिजनेस करेस्पोंडेंट और बैंक करेस्पोंडेंट का काम भी शुरू कराएं तो मुझे ऐसा लगता है कि एफपीओस की आमदनी बढ़ सकती है और उनके साथ जो काम करते हैं उनको रेगुलर इनकम हो सकती है। मेरा खुद का ये अनुभव रहा है कि जब हम मल्टीपल सर्विसेज में आमदनी तलाशते हैं तो साल के किसी ना किसी सीजन में कुछ ना कुछ काम गांव में चलता है और उससे एफपीओ को आमदनी होती है। तो सबसे पहले हम देखें कि बिजनेस करेस्पोंडेंट की क्या अभी तक व्यवस्था है। तो आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में अभी लगभग 157 बैंक काम करते हैं और ये तीन तरह के बैंक होते हैं। इसमें कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग हैं, पीएसयू बैंक हैं, दूसरे प्राइवेट बैंक हैं और तीसरे फॉरेन बैंक हैं, विदेशी बैंक हैं। तो अगर हम इनकी शाखाओं को देखें तो जो पीएसयू बैंक हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग बैंक हैं, उनकी 87,892 ब्रांचेज हैं जिसमें 28,921 ब्रांचेज उनकी ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हैं और बाकी सेमी अर्बन और अर्बन और मेट्रोज में काम करती हैं। इसी तरह जो प्राइवेट बैंक हैं उनकी कुल ब्रांचेज 34,794 हैं और इनमें से उनकी जो 7,232 ब्रांचें ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हैं, बाकी अर्बन, सेमी अर्बन और मेट्रोज में काम करती हैं। जो फॉरेन बैंक हैं, जो विदेशी बैंक हैं, उनकी केवल 15 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में हैं और बाकी मेट्रोज, अर्बन और सेमी अर्बन इलाके में उनकी ब्रांचेज हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ 60 लाख से ऊपर गांव हैं, उसके मान से ये ब्रांचेज की संख्या बहुत कम है। दूसरे जो ग्रामीण बैंक ग्रामीण शाखाएँ होती हैं उनमें स्टाफ की भी बहुत कमी होती है और अभी भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र कर रही हैं, हर किसी का बैंक अकाउंट खोला जा चुका है, तो इसकी वजह से जो ग्रामीण बैंक की शाखाएं हैं उन पर बोझ भारी बढ़ गया है। और चूंकि वहां इतने संसाधन नहीं होते हैं, वहां इतनी तकनीकी का उपयोग नहीं हो पा रहा है,
तो जो हितग्राही है, गांव के लोग हैं जिनके खाते में पैसा जा रहा है, उनको अपना पैसा विड्रॉ करने में भारी समस्याएं होती हैं। और इसमें गरीब लोग होते हैं, इसमें वृद्धजन होते हैं, इसमें गर्भवती माताएं होती हैं, इसमें मजदूर होते हैं जिन्हें पैसे की तत्काल आवश्यकता होती है। तो पहले से ही बैंक लोग बैंकों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिजनेस करेस्पोंडेंट की व्यवस्था की हुई है और बैंक बिजनेस करेस्पोंडेंट चला रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो जो बिजनेस करेस्पोंडेंट हैं हमारे यहाँ, उनकी संख्या लगभग 20 लाख के ऊपर है जो गांव क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन बिजनेस करेस्पोंडेंट के साथ समस्या ये है कि ये एक बैंक का ही काम कर सकते हैं जो वो बैंक से जुड़ते हैं, तो इनकी आमदनी बहुत कम हो जाती है और इस आमदनी में लोग बिजनेस करेस्पोंडेंट का काम नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी राज्य सरकारों द्वारा जो स्वसहायता समूह की महिलाएं हैं उनको भी बिजनेस करेस्पोंडेंट बनाया गया है, पर चूंकि उनको भी उतनी आमदनी नहीं होती है तो वो उतना समय अपना इन कामों में नहीं दे पाती हैं। दूसरे जो ATM हैं उनकी संख्या भी ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी नहीं है। अगर हम देखें कि हिंदुस्तान में लगभग 2.1 लाख ATM काम करते हैं, जिसमें 96,000 जो ATM हैं वो ऑफ साइट हैं और बाकी ऑन साइट हैं। तो ऑन साइट मतलब जहां ब्रांच है ऑलरेडी वहीं ATM लगा हुआ है, और ऑफ साइट मतलब जहां ब्रांच नहीं है वहां ATM लगा हुआ है। तो ये संख्या भी उतनी पर्याप्त नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पैसा विड्रॉ करने में मदद करे। दूसरे जो गांव के लोग हैं वो अभी भी अपने डेबिट कार्ड से उतनी आसानी से ATM से पैसा विड्रॉ नहीं कर पाते हैं, उनमें सीखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पेमेंट को लेके भारी असुविधा को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 8 पेमेंट बैंक को मंजूरी दी हुई है, और ये 8 पेमेंट बैंक भी पेमेंट का काम करने के लिए अपने बिजनेस करेस्पोंडेंट लगा रहे हैं। तो इन पेमेंट बैंक के साथ काम करने में आसानी यह है कि ये किसी भी बैंक की खाते से पैसा निकाल सकते हैं और किसी भी बैंक खाते से पैसा जमा कर सकते हैं। तो जो बैंक करेस्पोंडेंट है उससे थोड़ा बेहतर ये काम करते हैं और इनकी आमदनी भी बैंक करेस्पोंडेंट की तुलना में कुछ ज़्यादा होती है। तो पिछले साल से ई फसल मध्य प्रदेश में बिजनेस करेस्पोंडेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और हम लोगों ने पेमेंट बैंक के साथ टाइप किया हुआ है और उनके साथ हम उनके लिए बिजनेस करेस्पोंडेंट या बैंक करेस्पोंडेंट गांव में बना रहे हैं। तो इन बैंक करेस्पोंडेंट को उनके काम के साथ साथ हम इंश्योरेंस का काम और एग्री इनपुट या किसानों की जो अन्य सेवाएं हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है उनको भी क्रमशः उसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ उद्देश्य ये है कि एक व्यक्ति जो गांव में है वो अपने काम के साथ साथ कुछ काम ऐसे करे कि उनको 8,000 से 12,000 रुपये मासिक की आमदनी हो सके। तो अगर 1,000 किसानों के ऊपर या 1,000 की जनसंख्या के ऊपर, उपभोक्ताओं के ऊपर हम एक बैंक करेस्पोंडेंट या बिजनेस करेस्पोंडेंट लगाते हैं तो वो ये ब्रेक इवन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वो लोगों के बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, उनका पैसा विड्रॉ करके दे सकते हैं, उनको पैसा जमा करने में मदद कर सकते हैं। इसी तरह जो शासन की अन्य योजनाएँ हैं उनका भी अब सभी योजनाएं ऑनलाइन हो गई हैं, उनको ऑनलाइन योजनाओं के लाभ लेने में मदद कर सकते हैं, इंश्योरेंस लेने में मदद कर सकते हैं और इसके साथ साथ वो कृषि का जो आदान है उसको बेचने में किसान की मदद कर सकते हैं।
आगे चल के ये लोग किसान को सेम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की ट्रेनिंग दे सकते हैं और किसान के जो उत्पाद हैं उनको खरीद के बाज़ार में बेचने में मदद कर सकते हैं। तो जो लोग मध्य प्रदेश में हैं और बैंक करस्पोंडेंट या बिजनेस करस्पोंडेंट बनना चाहते हैं वो ई फसल के साथ जुड़ के ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसका पर्पज़ यह है कि गांव के लोगों को इंटरनेट के माध्यम से बेहतर रिलायबल सुविधाएं मिलें और स्थानीय स्तर पर रोज़गार जनरेट हो ताकि जो ग्रामीण युवा युवतियां बेरोजगार हैं उनको अपने काम के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी मिल सके और उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। तो आइए हम सब इसमें मिलके काम करते हैं और ई फसल से जुड़ के इस काम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।